हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास मैथमेटिक्स का टॉपिक मैट्रिक्स चल रहा था हमारे पास में। हम स्टूडेंट्स मैट्रिक्स में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का परिचय पढ़ लिया हमने और मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ लिए कि कितने प्रकार के मैट्रिक्स हमारे सिलेबस में हैं, उन सबके बारे में हम अच्छी तरह से क्लियर कर लिए हैं। आज एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रेस। ये अच्छा टॉपिक है और ये किस तरीके से हम किसी दिए गए मैट्रिक्स का ट्रेस ज्ञात कर सकते हैं, आज हम क्लियर करेंगे ये चीज है। जो तो एक चीज ध्यान रखना कि जो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स होता है, ये जानने से पहले हमें एक वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं। वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह क्या होता है? वर्ग आव्यूह वो आव्यूह होता है जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। कोई आव्यूह ए है हमारे पास में, ए आई जे एम इन टू एन, जहां m = n होता है, तो ये वर्ग आव्यूह कहलाता है। और वर्ग आव्यूह जैसे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये हमारे पास में एक एग्जाम्पल है और यहां a11, a12, a13 और ये a21, a22, a23, a31, a32 और a33। ये हमारे पास में 3 × 3 का एक वर्ग मैट्रिक्स है, मतलब 3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है। अब 3 कोटि के वर्ग आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होगी, वो 3 होगी। इसलिए इसमें हमारे पास में 1, 2, 3 पंक्ति है, 1, 2, 3 स्तंभ है। अब इस जो वर्ग मैट्रिक्स है, इसमें हम एक इंपॉर्टेंट चीज देखने जा रहे हैं कि हमारे पास में डायगोनल, डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स आव्यूह का, विकर्ण। तो आव्यूह का विकर्ण क्या होता है कि हमारे पास में जो वर्ग मैट्रिक्स होता है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वर्ग आव्यूह, उसमें एक मुख्य विकर्ण होता है। वह मुख्य विकर्ण कौन सा होता है, यह हमने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया है और इसी में भी ध्यान दे लीजिए अब अच्छी तरह से कि मुख्य विकर्ण या डायगोनल जो होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, वर्ग आव्यूह में ही होता है। इसलिए ये हमने वर्ग आव्यूह लिया है। हम आव्यूह का ट्रेस पढ़ने से पहले देखो इतनी चीज जान रहे हैं, इसके बाद में इन सभी चीजों को क्लियर होने पर ही हम ट्रेस के बारे में बता सकते हैं। तो ये ध्यान दे कि ये हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। मतलब यदि हमारे पास में एक एग्जाम्पल लिया छोटा सा, यदि पंक्तियों की संख्या 3 है तो स्तंभों की संख्या भी क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। यदि पंक्तियों की संख्या 2 है तो स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। मतलब m और n दोनों की वैल्यू बराबर होगी। तो ये हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह का उदाहरण लिया है। यहाँ a11 एलिमेंट है, a12 इनकी जगह हम कोई संख्या भी ले सकते थे, लेकिन हमने अवयवों को उनके पंक्तियों और स्तंभों के ऑर्डर के क्रम में लिखा है। तो ये देखो अब हमारे पास में डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स आव्यूह का विकर्ण, तो जो मेन डायगोनल होता है इसको अपन मेन डायगोनल भी कह सकते हैं। मेन डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स मुख्य विकर्ण, आव्यूह का मुख्य विकर्ण ये पढ़ लिख सकते हैं हम यहां पर, मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण कौन सा होता है कि हमारे पास में a11, a22, a33, an, ये हमारे पास में मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं, ए मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। तो इससे हमारे पास में क्या रिजल्ट निकलता है कि हमारे पास में a i j,
फॉर ऑल आई इज इक्वल्स टू जे मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं, या अगर ऐसे लिख सकते हैं हम ए आई आई, ये भी मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाता है। यदि हमारे पास में ये कोई अवयव ए है तो उसका कोई भी जो भी अवयव आई आई है, मतलब आई और जे दोनों की वैल्यू बराबर है, तो वो हमारे पास में मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। अब यहां हमारे पास में देखो ये तीन क्रम का है, तीन कोटि का वर्ग अवयव है, तो इसमें A11, A22, A33 ये हमारे पास में मैन डायगोनल है, मुख्य विकर्ण के अवयव है, ये हमारे पास में मुख्य विकर्ण के अवयव है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात यह है कि मुख्य विकर्ण जो डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स का जो अवयव होता है, वो विकर्ण होता है, वो हमेशा वर्ग मैट्रिक्स में ही बनता है। वर्ग मैट्रिक्स होगा हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है जिसकी पंक्ति और स्तंभों में संख्या बराबर होती है, उसी में हमारे पास में डायगोनल बनता है। यदि हमारे पास में अवयव वर्ग मैट्रिक्स नहीं है, वर्ग अवयव नहीं है, पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं है, तो वह हमारे पास में मुख्य विकर्ण नहीं बना सकता। इसलिए एक चीज इंपॉर्टेंट हो गई कि वर्ग अवयव है उसमें ही मुख्य विकर्ण बनता है, तो ये हमारे पास मुख्य विकर्ण बनता है बन गया। एक एग्जांपल और भी लेते हैं, जैसे हमारे पास में ये है और इसमें ये A11, A12 और A21 और A22 ये हमारे पास में है, ये 2x2 का है, तो ये हमारे पास में देखो ये हमारे पास में क्या है, मुख्य विकर्ण है, क्योंकि यहाँ A11 और ये क्या है A22, तो यहां हमारे को मालूम चल रहा है कि यहां i और j की वैल्यू बराबर है, यहां भी i और j की बराबर है वैल्यू, i कॉमा j जो भी अवयव है हमारे पास में वहां उसमें i इज इक्वल्स टू j होना आवश्यक है। तो i और j इक्वल होते हैं, वो जो अवयव होंगे वो हमारे पास में वर्ग मैट्रिक्स में विकर्ण के अवयव होते हैं, तो इसलिए किसी भी वर्ग अवयव में विकर्ण के अवयवों को मिलाने वाली जो रेखा है वो ही मुख्य विकर्ण कहलाती है, या किसी भी वर्ग मैट्रिक्स में किसी भी वर्ग अवयव में A11, A22, A33 मतलब i और j बराबर हो, उन अवयवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है मुख्य विकर्ण कहलाते हैं, वो जो अवयव हैं उनको मिलाने वाली जो रेखा है ये मुख्य विकर्ण कहलाती है, यही मुख्य विकर्ण है। तो आप किसी भी वर्ग मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के अवयवों को बता सकते हो, मैन डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स बता सकते हो, एलिमेंट्स ऑफ ए डायगोनल या एलिमेंट्स ऑफ ए डायगोनल बता सकते हो आप, ये एलिमेंट्स ऑफ ए डायगोनल, डायगोनल के अवयव आराम से आप ये चीज क्लियर कर सकते हैं। और इसके जस्ट बाद में हम अभी बता रहे हैं ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, अवयव का ट्रेस, तब तक आप इसको उतारिए अच्छी तरह से, मैं डस्ट कर देता हूं। तो स्टूडेंट ध्यान दें, ये हमने ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए, अवयव के ट्रेस के लिए हमने पूरी तैयारी कर रहे हैं। वर्ग अवयव में ही मुख्य विकर्ण होता है, मुख्य विकर्ण के बारे में जान लिए, इसके जस्ट बाद में हम ट्रेस पढ़ने वाले हैं, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, ध्यान दें अच्छी तरह से। अब मैं यहां देख रहा हूं एलिमेंट्स ऑफ ए डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए डायगोनल अवयव का जो डायगोनल के अवयव हैं वो हम देखते हैं। तो हमारे पास में जो ए है ये कोई अवयव है
और यहां A11, A12, A13, ये हमने 3 क्रॉस 3 का वर्ग आव्यूह लिया है, A22 और A23 और A31, A32 और A33। तो ये एलिमेंट्स ऑफ ए डायगोनल, इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स ऑफ ए डायगोनल कौन कौन से हैं, A11, A22 और A33, ये एलिमेंट्स ऑफ ए डायगोनल हैं। क्यों है? क्योंकि यहां aij, i = jk अवयव हैं, कि जिस वर्ग आव्यूह में i और j इक्वल हो, वो जो अवयव हैं उनको मिलाने वाली जो रेखा है यही मुख्य विकर्ण कहलाती है, और इसके जो अवयव हैं ये एलिमेंट्स ऑफ ए डायगोनल विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। विकर्ण के अवयव। तो आपसे कोई भी वर्ग मैट्रिक्स दे दे, कोई भी वर्ग अवयव दे दे, तो उसमें आप विकर्ण के अवयवों को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं कि वर्ग अवयव होता है उसमें आई और जे इक्वल वाले जो अवयव हैं उनको मिलाने वाली जो रेखा है वो मुख्य विकर्ण होते हैं, और वे अवयव होते हैं वो मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। तो ये मुख्य विकर्ण के अवयव हैं। तो अब आप अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं कि कोई भी हमारे पास में वर्ग मैट्रिक्स है, और वर्ग मैट्रिक्स है तो वर्ग मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण देख सकते हैं, और मुख्य विकर्ण देख करके उसके अवयवों को बता सकते हैं कि ये मुख्य विकर्ण के अवयव हैं। अब मैं आपके पास में एक एग्जाम्पल देता हूं। आप इसमें ये मैट्रिक्स है और यहां 2, 3, 4 और ये 3, 2, 9 और 7, 4, 5, ये हमारे पास में एक वर्ग मैट्रिक्स है और ये हमारे पास में 3×3 का है। तो इस वर्ग मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण कौन सा है? ये है। अब अपने को पता है A11 है, A22 है, A33, तो ये हमारे पास में विकर्ण के अवयव हैं। A11 तो क्या है, 2 है, A22 हमारे पास में क्या है, वो भी 2 है, और A33 हमारे पास में कितना है, 5 है। ये मुख्य विकर्ण के अवयव है हमारे पास। तो किसी भी वर्ग मैट्रिक्स में, किसी भी वर्ग अवयव में, स्क्वायर मैट्रिक्स में आप मुख्य विकर्ण के अवयव बता सकते हो देख करके। एक और एग्जांपल लेता हूं। हमारे पास में एक मैट्रिक्स है C 3 5 7 9, ये हमारे पास में है। एक और भी लेता हूं D, तो वो हमारे पास में है A B और C और D, ये है। ये हमारे पास में 2×2 का वर्ग मैट्रिक्स है, ये भी 2×2 का वर्ग। इसमें जो डायगोनल के अवयव हैं, विकर्ण के अवयव हैं, वो कौन से हैं? ये विकर्ण है। 3 A11 और A22 हमारे पास में है 9। यहां हमारे पास में A11 है a small a और A22 है हमारे पास में small d। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में मुख्य विकर्ण के अवयव हैं, ये हमारे पास मुख्य विकर्ण के अवयव हैं। तो किसी भी वर्ग मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के अवयव पहचानना बिल्कुल आसान है, और इसमें मैंने आपको अच्छी तरह से बिल्कुल क्लियर कर दिया कि किसी भी वर्ग मैट्रिक्स में ही डायगोनल बनता है, मेन डायगोनल मुख्य विकर्ण बनता है, और मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो ये होते हैं जिसमें आई और जे की वैल्यू बराबर होती है, 1, 1, 2, 2 और 3, 3। और यदि मुख्य विकर्ण देख लिया, मुख्य विकर्ण के अवयवों को पहचान करके लिखना सीख लिया, तो ट्रेस बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल होने वाला है। स्टूडेंट्स, वर्ग अवयव मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसमें ही ट्रेस ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि डायगोनल उसी में बनता है, और जो ट्रेस है, ये जो ट्रेस है ये डायगोनल पर डिपेंड करता है। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स किस पर डिपेंड करता है? वर्ग मैट्रिक्स के डायगोनल पर डिपेंड करता है। तो अब इतनी चीज सीखने के बाद में आपके सामने ट्रेस याद करना हम सीखते हैं, बिल्कुल आसान है, सिंपल है। अब हम देख रहे हैं ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, यहां चलते हैं मेन पॉइंट पर। अब हम ट्रेस पर चलते हैं। तो अब देखो, ट्रेस को TR है,
तो इससे भी लिखते हैं टी ट्रेस, टी आर भी लिख देते हैं, ट्रेस ए। इसका मतलब ये है हमारे पास में कि जो ए अवयव है उसका ट्रेस ज्ञात करना, ट्रेस ऑफ ए। तो हमारे पास में कोई अवयव ए है और ये A11, A12, A13, इस प्रकार से हम थ्री तीन कोटि का 12 A13 तीन कोटि का वर्ग अवयव ले रहे हैं, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमारे पास में एक वर्ग अवयव है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तीन कोटि का। अब इसमें हम एलिमेंट्स ऑफ ए डायगोनल, तो ये हमारे पास में एलिमेंट्स ऑफ ए डायगोनल है, ये हमारे पास में मुख्य विकर्ण के अवयव हैं। तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स ए, ट्रेस ऑफ ए मतलब ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स ए मतलब अवयव ए का ट्रेस ज्ञात करना, अवयव ए का ट्रेस ज्ञात करना, अवयव ए का ट्रेस ज्ञात करना। ये हमारे पास में बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल है। जो हमारे पास में डायगोनल, मेन डायगोनल के एलिमेंट है, मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं, हमारे पास ट्रेस ज्ञात करना बिल्कुल सिंपल। आपसे क्वेश्चन दिया जाए कि इस अवयव का ट्रेस ज्ञात करो, आप इस मैट्रिक्स का ट्रेस ज्ञात करो, तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल है। इसके जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण है, उसके अवयव कौन कौन से हैं, A11, A22, A33, तो उनका आप ऐड कर दो, A11 प्लस A22 प्लस A33, यही हमारे पास में स्टूडेंट्स ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए कहलाता है। अच्छी तरह से क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और देते हैं कि हमारे पास में कोई अवयव बी है और उसमें 3 और 5 7 5 9 2 और 5 2 3, इस प्रकार से हमारे पास में ये एक तीन कोटि का वर्ग अवयव है, तीन कोटि का वर्ग अवयव है, और इसमें ट्रेस ज्ञात करना बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स। ट्रेस कैसे ज्ञात करते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग अवयव है, तो सबसे पहले मेन डायगोनल मुख्य विकर्ण के अवयव देखेंगे। क्या है मुख्य विकर्ण के अवयव, 3 9 3। तो अब हम क्या करते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी क्या आएगा, 3 प्लस 9 प्लस 3, तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, 9 और 3 12 और 3 15, ये हमारे पास में ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ये अवयव बी का ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी, अवयव बी का ट्रेस ज्ञात हो गया। किसी भी वर्ग अवयव का ट्रेस ज्ञात करना बिल्कुल सिंपल है। हम क्या करते हैं, वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के अवयवों को लेते हैं और उनको ऐड कर देते हैं, उनको ऐड करने पर जो वैल्यू आती है वही ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की होती है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स होता है, अवयव का ट्रेस होता है। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर किया है, अवयव का ट्रेस ज्ञात करना। तो उसके लिए हमने देखो कई चीज सीखी, इससे स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल बनता है, डायगोनल के बारे में देखा, और डायगोनल के बाद में हमने क्या किया, उसके ट्रेस ज्ञात किया। अब जस्ट आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको यही बता देता हूं, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अवयव का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई, अवयव का एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई पढ़ने वाले हैं, और इसके जस्ट बाद में फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, लाम्बिक अवयव, तो वो देखते हैं। इसके बाद में ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सेमेट्रिक और सेक्स सेमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो अच्छी तरह से टॉपिक को क्लियर करते हुए चल रहे हैं मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स के जस्ट बाद में हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे, और इसी प्रकार से हम रेगुलर 12th क्लास के कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। थैंक यू।